हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीमोनेटाइज आफ्टर रीयूज्ड कंटेंट। अपने चैनल को हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं जब हमारे चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट की प्रॉब्लम आ गई हो। आज हम कुछ पांच बातों में आपको समझाने वाले हैं। इन पांच पॉइंट को अगर आप समझकर काम करते हैं तो जब आप अब रीअप्लाई करेंगे अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको विथ प्रैक्टिकल विथ एग्जाम्पल के साथ में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल भी देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये वीडियो जब आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। दोस्तों, पॉइंट नंबर एक कि क्या जो एडिटिंग मैंने की है वो वीडियो मेरी है या फिर वो किसी दूसरे की है, क्योंकि बहुत से लोगों के चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट जब ही आता है जब वो दूसरे के वीडियो को यूज कर लेते हैं और उस वीडियो को यूज कर लेते फिर कहते हैं कि मैंने इस वीडियो को अपने फ़ोन से शूट किया है, अपने मोबाइल से इस वीडियो को एडिट किया है, मैंने दूसरे का फ़ोटो यूज किया है, दूसरे का म्यूजिक यूज किया है और उसके बाद कंपाइल्ड करके एडिट करके अपलोड कर दिया है। तो क्या इस टाइप की वीडियो ये मेरी वीडियो हुई या फिर रीयूज्ड हुई, क्योंकि बहुत से भाइयों का क्वेश्चन है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने एक मान लो कहीं से म्यूजिक उठा लिया है और कहीं से आपने एक इमेज उठा लिया है, काइन मास्टर, फिल्मोरा या फिर प्रीमियर प्रो, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आपने उस वीडियो को एडिट किया, राइट। एडिट करने के बाद आपने अपलोड कर दिया है। ध्यान रहे, इस वीडियो में आपका ना ही वॉइस है और ना ही आपका फेस है, दोनों चीज़ें नहीं है और आपने अपलोड कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपकी है, तो ये वीडियो आपकी नहीं है, ये वीडियो उसकी है जिसका आपने म्यूजिक और फोटो उठाया है। इस वीडियो में आपने कोई भी वैल्यू नहीं ऐड किया है, इसलिए ये वीडियो आपकी रीयूज्ड कंटेंट होगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं किसी का फोटो उठा लूँ, किसी का वीडियो उठा लूँ और फिर अपलोड कर दूँ, मोनेटाइज हो जाएगा, तो अब YouTube ऐसी वीडियो को मोनेटाइज नहीं करेगा। पॉइंट नंबर दो कि हम किस तरीके से पहचाने कि हमारे चैनल पर इस वीडियो में रीयूज्ड कंटेंट है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने चैनल में। अपने चैनल पर जाने के बाद आपको अपने वीडियो वाले सेक्शन में जाना है। वीडियो सेक्शन में जाने के बाद आप अपने मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर क्लिक करिए। मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो मोस्ट पॉपुलर वाली वीडियो है वो वीडियो किसकी है। अगर उस वीडियो में आपने डीजे का या फिर स्टेज प्रोग्राम का या फिर म्यूजिक किसी का या फिर कॉपीराइट वाली वीडियो अपलोड कर रखी है या फिर उस वीडियो को अपलोड कर रखी है जिस वीडियो में आपने बोला कुछ नहीं है, आपका ही वीडियो है, मैं फिर कह रहा हूँ आपका ही वीडियो हो सकता हो लेकिन उसमें आपने ना ही कुछ बोला है ना ही कुछ आपने फेस दिखाया अपना, तो वो वीडियो रीयूज्ड कंटेंट में आएगी। ध्यान रखना, रीयूज्ड कंटेंट में ही आएगी। रीयूज्ड कंटेंट का यही मतलब है कि बिना नैरेटिव के, बिना एजुकेशन वैल्यू के, बिना कुछ वैल्यू प्रोवाइड किए हुए आप अगर कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो कि आपने पहचानना सीखा अभी, और आपको बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपकी उस वीडियो में, जिस वीडियो में आपने अपना कुछ भी वैल्यू नहीं ऐड किया है, तो उस वीडियो को आपको डिलीट कर देना चाहिए। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप YouTube को मोनेटाइजेशन के लिए भेजें उसके 5 मिनट के बाद इस वीडियो को आप डिलीट कर दें, जो जो वीडियो आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट की है, राइट। पॉइंट नंबर 3, क्या कॉपीराइट क्लेम से रीयूज्ड कंटेंट आएगा। ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कॉपीराइट क्लेम से रीयूज्ड कंटेंट आता है या नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि शायद नहीं, रीयूज्ड कंटेंट से कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। मैंने गूगल पर सर्च किया तो गूगल ने मुझे उत्तर दिया, वहां पर बताया कि रीयूज्ड कंटेंट नहीं आता है अगर आपके कॉपीराइट क्लेम आए हुए हैं अपने वीडियो में। तो फिर अब कॉपीराइट क्लेम आता क्यों है जब रीयूज्ड नहीं आता है, आपके मन में यह भी क्वेश्चन होगा। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि रीयूज्ड कंटेंट का मतलब यह है कि आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है लेकिन उसमें अपनी कोई वैल्यू नहीं ऐड की है, और कॉपीराइट क्लेम का मतलब यह है कि अगर आपने किसी दूसरे का वीडियो यूज किया है जिस वीडियो पर कंटेंट आईडी बनी हुई थी। अगर आप अपने वीडियो पर कंटेंट आईडी बना लेते हैं तो आपकी कोई भी वीडियो यूज करेगा तो उसके पास कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा, अगर आपने वो ऑप्शन ऑन कर रखा है कंटेंट आईडी क्लेम का।
कॉपीराइट क्लेम का मतलब ये होता है कि आपने जिसकी वीडियो यूज की है वो सामने वाला पर्सन कैसा है, वो सामने वाला पर्सन अगर चाहता है कि आप उसकी वीडियो का यूज कर सकते हैं अपने चैनल पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आप किसी के भी कॉपीराइट क्लेम की वीडियो यूज करें तो आप जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें कि क्या उसे क्रेडिट चाहिए होगा या फिर क्या उसे रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए होगा या फिर कुछ और उसकी मांग है जो कि उसके डिस्क्रिप्शन में होगा। वो चीज़ आप पढ़कर ही किसी की वीडियो यूज करें जिससे कि कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और अगर आए तो आप बचे रहें। राइट, पॉइंट नंबर 4, वीडियो मेटा डाटा मस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो मेटा डाटा, अब आप सोच रहे होंगे वीडियो मेटा डाटा होता क्या है। मेटा डाटा ये होता है कि आपकी जो वीडियो है, जैसे कि मैंने ये वीडियो अभी अपलोड की है, इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक डिस्क्लेमर दिखेगा। डिस्क्लेमर वो होता है जिस पर हम लिखते हैं कि ये वीडियो हमने बनाई हुई है एजुकेशन पर्पज के लिए, हमने किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया है, हमारा मकसद सिर्फ आपको इंटरटेन करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है, ना कि हम किसी की भावनाओं को या फिर गाली गलौज किसी को देने वाला काम करते हैं। राइट, ये होता है वीडियो मेटा डाटा। वीडियो मेटा डाटा में आपका आता है टाइटल, जो कि सबसे पहले जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको लिखना होता है, वो उसे हम बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल आपका अच्छे से होना चाहिए। टाइटल में कोई भी सेक्सुअलिटी वर्ड नहीं यूज करना है, हैक वर्ड नहीं यूज करना है आपका। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको हैज टैग ज़्यादा नहीं लगाना है, 10, 15, 20 लगा सकते हैं, लेकिन बहुत से चैनल पर देखे हैं कि 50 और 100 हैज टैग लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है, ये स्पैम होता है। इससे आपका चैनल डिलीट, सस्पेंड, टर्मिनेट कुछ भी हो सकता है। रीयूज्ड तो हटेगा नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके चैनल पर। थर्ड मेटा डाटा होता है आपका टैग। टैग में जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करें तो आप अपने वीडियो में टैग जरूर लगाएं। टैग लगाकर आपको रखना होगा। टैग लगाएंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी और YouTube को भी लगेगा कि आपने इस वीडियो पर काम किया है। अब बारी आती है आपके थंबनेल की। थंबनेल आप किसी दूसरे का कॉपी करके बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। YouTube कहता है कि थंबनेल आपका यूनिक होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। यहाँ तक कि थंबनेल किसी दूसरे का सेम टू सेम भी नहीं बनाना है आपको। अगर सेम टू सेम बनाते हैं तो उसमें आपको चेंजेस करके रखना है कि अलग से वो लगना चाहिए, आपका थंबनेल अलग हो और दूसरे का थंबनेल अलग हो। ऐसे भी चैनल देखे हैं जिस पर थंबनेल एक जैसा था और उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, रीयूज्ड आ गया। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, ये होता है मेटा डाटा। लेकिन मेटा डाटा के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद आपको अपने अबाउट सेक्शन में जाना है। अबाउट सेक्शन में जाने के बाद आपको देखना है कि आपने अपने चैनल के बारे में क्या लिख रखा है। वहां पर आपको अपने चैनल का नाम, अपने चैनल के अबाउट के बारे में, मतलब आपका चैनल किस टाइप का है, क्या क्या वीडियो आप बनाते हैं उस पर, और किस टाइप की वीडियो आप अपलोड करने की सोचते हैं, और क्या आप आगे करना चाहते हैं, सारी चीज़ें वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। और वहां पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे का कोई भी कंटेंट नहीं यूज करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब भी आप डिस्क्लेमर लगाएं या कॉपीराइट सेगमेंट का लगाएं तो वहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया का हैंडल जरूर लगाएं। सोशल मीडिया का हैंडल कैसे लगाना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि लिखना कैसे होता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है और आपका चैनल रीयूज्ड कंटेंट से बच जाता है। पॉइंट नंबर 5, अपील कैसे करें। आपके चैनल पर अपील का एक ऑप्शन आ गया होगा और आप अब अपील करने के लिए सोच रहे होंगे। तो सम टाइम ये देखा गया है कि 99% लोगों की अपील रिजेक्ट हुई है, 1% लोगों की ही अपील जो है मतलब अप्रूव्ड हुई है, नहीं तो सभी के रिजेक्ट हुए हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। अपील करते टाइम YouTube ने बताया है कि जब आप अपील करेंगे उसके पहले कोई भी वीडियो आपने अपने चैनल से डिलीट ना की हो। जैसे आपके चैनल पर मान लो 15 तारीख को रीयूज्ड कंटेंट आया, आपके चैनल पर 20 तारीख को अपील का ऑप्शन आया, अब 15 से और 20 के बीच में आपने कोई वीडियो अगर डिलीट कर दी है, आपने सोचा कि इस वीडियो पर रीयूज्ड है इसे डिलीट कर दूं फिर अपील करूं, तो आपका अपील रिजेक्ट हो जाएगा।
अपील करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जब आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया उसके बाद से कोई भी वीडियो डिलीट ना की हो। दूसरा काम, आपकी जो अपील वाली वीडियो होगी वो वीडियो इंग्लिश में हो या फिर उसका सबटाइटल इंग्लिश में हो, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ही यूट्यूब समझता है, उसके पास अभी हिंदी की फैसिलिटी नहीं है। पॉइंट इसी के अंदर आता है, जो अपील करते टाइम आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपकी वीडियो 5 मिनट से कम की होनी चाहिए। और चौथी बात जो कि अपील करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी वीडियो अपील के लिए बनाएं तो वहां पर अपने वीडियो के बारे में, अपने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा सभी के बारे में बताएं कि वीडियो आप कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं। ये सारा काम आपको अपने चैनल पर करना होगा। जब आप इन काम को अपने चैनल पर कर लेंगे, देन आप अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करेंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आपका अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या नहीं, और आप किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे इन 5 पॉइंट में। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।